नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक गैजेट पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी क्रेजी इन्वेंशंस के बारे में जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। हमारी डेली वर्क रूटीन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हम किसी स्पेसिफिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप उस काम को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने गैजेट्स के इन सफर पर। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, गार्डियोर आईडी एडवांस रोलर। दोस्तों, ऑफिस वर्क रूटीन में ऐसे काफी सारे पेपर्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिन्हें कि हमें सीक्रेट रखना होता है किसी भी थर्ड पर्सन से। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एडवांस रोलर का। इसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियल डिटेल को बहुत ही आसानी के साथ हाइड कर सकते हैं। आप इसकी मदद से डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे आप दूसरों से शेयर ना करना चाहते हो, जैसे कि प्राइस डिटेल, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इन सभी चीजों को रोलर की मदद से हाइड किया जा सकता है। ये मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल होता है। आप छोटी लाइंस को हाइड करने के लिए छोटे रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपको बड़े साइज में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटा सा ऑफिस टूल आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को हाइड करने में आपकी मदद कर सकता है। ब्रेल प्रिंटर। दोस्तों, नॉर्मली जो लोग देख नहीं सकते वो इस्तेमाल करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट का, लेकिन ब्रेल स्क्रिप्ट की प्रिंटिंग काफी ज्यादा टफ होती है और कॉस्टली भी पड़ती है। लेकिन आज जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपका इस काम को चुटकियों में कर सकता है। ये एक छोटा सा पोर्टेबल ब्रेल प्रिंटर होता है जिसका आप इस्तेमाल बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ आपको ब्रेल स्क्रिप्ट की बुक मिलती है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप उनके लेटर्स को समझने के लिए, और ब्रेल क्यूब की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ प्रिंट कर पाएंगे इस स्क्रिप्ट को। दोस्तों, बेसिकली इस प्रिंटर का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इसके प्रिंटेड मटेरियल से आप लेबलिंग कर सकते हैं, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में आप मदद कर सकते हैं उनकी जो देख नहीं सकते। पावर स्टाइल स्कॉलर। दोस्तों, वियरिंग्स हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं। ये ना सिर्फ हमें बेहतरीन लुक देती हैं बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी को भी शो करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी वियरिंग्स को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो तो इस तरीके का गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप शर्ट पहनते हैं तो थोड़ी देर बाद उसकी कॉलर खराब हो जाती है, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटी सी पिन का। ये एक छोटी सी मेटल पिन होती है जिसे आपको अपनी कॉलर में लगाना होता है, जिसके बाद आपकी कॉलर एकदम स्ट्रेट लुक देती हैं। आप इस पिन की एडजस्टमेंट के लिए एक छोटा सा मैग्नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इस पिन की पोजीशन ना बदले। तो दोस्तों, इस तरीके का एक छोटा सा गैजेट आपकी वियरिंग के लिए काफी ज्यादा काम का साबित हो सकता है। बियर स्टिक बियर बॉन्ग। दोस्तों, नॉर्मली तो हम लोग ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लासेस का, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा क्रेजी गैजेट दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा अजीब लगेगा देखने में। ये एक ऐसी ड्रिंकिंग सिरिंज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी ड्रिंक को 2 सेकंड के अंदर पी सकते हैं। ये ड्रिंक्स को आपके माउथ में कंस्टेंटली सिरिंज करता है, जिसकी वजह से ये आपके ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा जॉयफुल बना देता है। इस सिरिंज को क्लीन करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। आप नॉर्मली इसे डिसेंबल करके आसानी से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का छोटा सा गैजेट आपकी पार्टीज को और भी ज्यादा क्रेजीनेस देता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। पायलट एरा 8K 360 कैमरा। दोस्तों, अगर आप हाई क्वालिटी वीडियो शूट करना चाहते हो तो इस तरीके का एक्शन कैमरा आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, मार्केट में जो नॉर्मल 360 कैमरा आते हैं, देखा जाए तो वो सिंगल कैमरा बेस्ड होते हैं, यानी वो एक समय पर एक ही एंगल की वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा कैमरा है जिसकी मदद से आप एक ही साथ सारे एंगल पे वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें 4 कैमरे लगे होते हैं जो कि 8K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके कैमरास 32 मेगापिक्सल के होते हैं और ये सभी 8K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन कैमरास का इस्तेमाल आप एक्शन कैमरा के तौर पर भी कर सकते हैं। इन कैमरास में रियल टाइम इमेज स्टेबलाइजेशन होता है जो कि आपको स्टेबलाइज फुटेज अवेलेबल कराता है। इसमें इंटरफेस के लिए एक टच स्क्रीन दी हुई होती है जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। आप इसका इस्तेमाल एक लाइव स्ट्रीमिंग टूल के तौर पर भी कर सकते हैं। इसमें 7000 mAh की बैटरी लगी होती है जो कि 3.5 hours तक रिकॉर्डिंग कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कैमरा आपके फोटोग्राफिक मूवमेंट को और भी ज्यादा इनक्रेडिबल बनाता है। वन व्हील। दोस्तों, आपने काफी सारे हावर्ड बोर्ड और स्केट बोर्ड तो देखे ही होंगे और यकीनन उनकी राइडिंग करना भी हम सभी लोगों को पसंद भी होता है। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसा हावर्ड बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ जो कि सिंगल व्हील पर काम करता है। देखने में तो एक नॉर्मल हावर्ड बोर्ड के ही साइज का होता है, लेकिन अगर इसमें व्हील्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल व्हील मिलता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हावर बोर्ड होता है जिसकी मदद से आप आसानी से हावर बोर्ड राइड कर सकते हैं। सिंगल व्हील होने के बावजूद भी इसमें जायरे स्टेबिलाईजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है।
इसकी फ्रंट और बैक साइड पर कुछ LED लाइट्स लगी होती हैं, जिनका इस्तेमाल आप रात में सेफ्टी पर्पस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के छोटे हावर बोर्ड का इस्तेमाल आप शॉर्ट डिस्टेंस पर्पस कर सकते हैं। पोलराइड मिनी इंस्टेंट प्रिंटर। दोस्तों, अगर आपको फोटोग्राफी करना पसंद हो तो इस तरीके का गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग अपने मोबाइल फोन से काफी सारे इमेजेस क्लिक करते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रिंट नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता, और अगर हम उन्हें बाहर से प्रिंट कराते हैं तो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती है। तो इस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के इंस्टेंट प्रिंटर का, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट लुक होता है। ये काफी सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा आसान होता है, आप अपने नॉर्मल फोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रिंटर में एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट होती है, जिसे कि आपको चार्ज करना पड़ता है। आप नॉर्मली इसे सिंगल चार्ज पर 50 प्रिंट तक निकाल सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहद शानदार होती है। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं एक छोटा सा इंस्टेंट प्रिंटर, तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। कूलर। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी टाइम्स कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना काफी ज्यादा टफ होता है। ऐसे में आपके पास काफी सारे कैंस होते हैं और उनको रखने की फ्रिज में जगह नहीं होती, और अगर आप उन्हें रखते भी हैं तो उन्हें इंस्टेंट कूल नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इंस्टेंट कूलर का, जो लगभग 60 सेकंड में आपके सारे कैंस को ठंडा कर सकता है। इसकी कार्टेज सेक्शन में एक बार में आप 6 कैन इंसर्ट करा सकते हैं और 60 सेकंड बाद आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मजा ले पाएंगे। ये एक बार में 6 कैन या 2 बड़ी बियर बॉटल्स को ठंडा कर सकता है। इसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रिक टाइमर भी लगा होता है, जो कि कैंस के ठंडा होने के बाद ऑटो कट ऑफ हो जाता है। नाइट रनर। दोस्तों, अगर आप रात के समय दौड़ना पसंद करते हैं तो इस तरीके का एक छोटा सा गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि रात के समय ज्यादा रोशनी नहीं होती है, ऐसे में दौड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, इससे बचने के लिए आप नॉर्मली टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपका एक हाथ एंगेज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इन गैजेट्स का। ये एक छोटी सी लाइट्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स शूज में कर सकते हैं। ये व्हाइट कलर की LED लाइट्स आपके शूज पर लग जाती हैं, जिसके बाद ये आपको आगे का रास्ता दिखाती हैं। इसमें आपकी सेफ्टी पर्पस 2 रेड कलर की LED लाइट्स भी लगी होती हैं, जो कि आपकी विजिबिलिटी को और भी ज्यादा मेंटेन करती हैं, जिससे कि रात के समय कोई भी आपकी प्रेजेंस को देख सकता है। ये LED लाइट्स पूरी तरीके से वाटर एंड डस्ट प्रूफ होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रात में दौड़ने के शौकीन हो तो इस तरीके का एक छोटा सा गैजेट इसमें आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। मोकी डोर स्टेप। दोस्तों, अगर आप लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो ऐसे समय पे आपको काफी सारा लगेज अपने साथ ले जाना पड़ता है, जिसे आप अपने कार के रूफ टॉप पर रखते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है उसके रूफ टॉप पर जाने की, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ये एक डोर स्टेप। ये एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है, जो कि काफी ज्यादा मल्टीपर्पज होती है। इसे आप अपनी कार के डोर हुक पर लगाकर आसानी के साथ अपने रूफ टॉप पर जा सकते हैं। इस तरीके के छोटे से गैजेट का इस्तेमाल आप कार की क्लीनिंग पर्पज भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी कार की रूफ को पूरी तरीके से साफ कर पाएं। ये टूल साइज में काफी ज्यादा छोटा एंड मल्टीपर्पज होता है। आप इसका इस्तेमाल एक कार स्टॉपर, एक सीट बेल्ट कटर और एक ग्लास ब्रेकर की तरह भी कर सकते हैं। लेदरमैन सिंगल। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी डेली लाइफ नीड को देखते हुए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही मल्टीपर्पज गैजेट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि साइज में तो बेहद छोटा होता है, लेकिन उसके यूजर्स को देखते हुए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये एक छोटे से वायर कटर की तरह भी काम करता है, जिसका इस्तेमाल आप छोटे और बड़े वायर्स को काटने के लिए कर सकते हैं। इसमें एक रिमूवेबल शार्पनर भी लगा होता है, जिससे कि आप चीजों को शार्प कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा ब्लेड भी इनबिल्ट होता है, जिससे कि हम नॉर्मली चीजों को काट पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें एक छोटी सी शॉ भी दी जाती है, जो कि एक आरी की तरह चीजों को काट सकती है। इसमें एक ऑल भी दी होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी सरफेस को खुरच सकते हैं। ये हमारे लिए एक बोतल ओपनर का भी काम कर सकता है, जिसकी मदद से हम ढेर सारी बोतल्स एंड कैंस ओपन कर पाएंगे। इसमें कुछ एडिशनल रिंचेस भी दी होती है, जिनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट्स को ओपन कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक छोटे से हैमर का भी काम कर सकता है। इसमें एक छोटी सी सेफ्टी विसल भी होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों को वार्न कर पाएंगे। इसमें एक फेरो रॉड दी होती है, जिसका इस्तेमाल हम इमरजेंसी कंडीशन में आग जलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का एक छोटा सा गैजेट कभी कभी हमारे लिए एक लाइफ सेविंग टूल की तरह भी काम करता है। जिप स्टिच।
दोस्तों अगर हमारे नॉर्मली कोई कट लग जाता है तो हम इस्तेमाल करते हैं बैंडेज का, लेकिन अगर कट थोड़ा सा ज्यादा होता है तो ऐसे में बैंडेज काम नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस जिप स्टिच का। ये एक ऐसा सर्जिकल इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े ऑपरेशन में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम बड़े कट को बहुत ही आसानी के साथ बाइंड कर पाएंगे। इसे कट के ऊपर लगाने के बाद दी हुई जिप स्टिच को ऊपर से टाइट करना पड़ता है। इसके बाद आप इसमें ऊपर से एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया सिक्योर रहे, यानी कि इसे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके का एक छोटा सा मेडिकल गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।